दोस्तों भारत के सबसे बड़े ब्रांड हम अडानी ग्रुप के इस समय स्टॉल पर हैं और मेरे पीछे आप देख पा रहेंगे ये सोलर पैनल्स लगा हुआ है। सारी कंपनियां जो भारत में हैं लगभग मोस्टली मुझे लगता है कि 80-90% या 95% कंपनियां सभी चाइना से सेल इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद सोलर पैनल्स बनाते हैं। लेकिन अडानी एक ऐसी कंपनी है जो खुद अपने ही सेल बना रही है और आज से नहीं पिछले करीब 5 साल से अपने ही सेल बना रहे हैं, अपने ही पैनल बना रही है, तो काफ़ी दमदार इनके पैनल होते हैं। बाकी पूरा प्रूफ आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, कितने रुपये में आप पैनल खरीद सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये पैनल्स और पैनल से कैसे बेस्ट हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मेरे साथ सर हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार, थैंक यू सर। जिस तरह से मैंने बताया था अभी और सुना है इस कंपनी के बारे में कि सेल्स आप लोग खुद बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लास्ट 5-6 साल से हम अपने आप सेल बना रहे हैं। पहले हम मल्टी क्रिस्टलाइन सेल बनाते थे और मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनाते थे, अब टेक्नोलॉजी हमने एडवांस टेक्नोलॉजी शुरू कर दी है, तो मोनोपर्क के सेल बनाते हैं, मोनोपर्क मॉड्यूल्स बेचते हैं। और अभी हमने रिसेंटली इसी एक्सपो में हम लॉन्च कर रहे हैं टॉपकॉन, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका भी सेल हम खुद बना रहे हैं और इसके भी और उन सेल से हम मॉड्यूल बना रहे हैं। तो हमने मतलब भारतवर्ष में जो 4 गीगावाट की कैपेसिटी डाली है मॉड्यूल की, उसके हिसाब से 4 गीगावाट की सेल की कैपेसिटी भी डाली है। तो हम जो बनाते हैं सेल भी और मॉड्यूल भी पूरा इंटीग्रेटेड है, जितने सेल बनाते हैं वो सारे अपने मॉड्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी अभी भारत में नई आई है और केवल कुछ चुनिंदा कंपनी ही टॉपकॉन पर अभी है, तो ये आपका ये मॉडल मार्केट में आ चुका है आने वाला? हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, नवंबर से हम इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। हमारे फैक्ट्री पे इसकी मशीनें लग गई हैं, अभी ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, ऑपरेशन स्टेबिलाईजेशन पे है और नवंबर से डिलीवरी शुरू कर देंगे। सर अब से पहले जो आ रहे थे एन टाइप पी टाइप वगैरह वो पैनल से? ये एन टाइप है, पहले अभी तक जो ज़्यादा प्रचलित थे वो तो पी टाइप थे, जो मोनोपर्क बोलते हैं जिनको, और ये एन टाइप है, ये टॉपकॉन है। ये इससे क्या है कि एफिशिएंसी ज़्यादा है मॉड्यूल की, तो आपको कम उसी एरिया में ज़्यादा पावर जनरेशन हो रहा है। और इसकी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक जैसे टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, जो आपका इनिशियल डिग्रेडेशन होता है, ईयर ऑन ईयर डिग्रेडेशन है, वो कम है मोनोपर्क से। तो इससे क्या है कि आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है ओवर द ईयर्स, 25-30 साल में जो आपका जनरेशन है वो इसमें कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मोनोपर्क। सर तो जिस तरह से टॉपकॉन टेक्नोलॉजी आई है तो इसकी वारंटी भी ज़्यादा है या एफिशिएंसी ज़्यादा, मतलब क्या है इसमें? एफिशिएंसी ज़्यादा है, वही मैं बता रहा था आपको, सेम फुटप्रिंट, मतलब इतना ही साइज़ के मॉड्यूल में अगर ये 540 देता है तो वो 570 देगा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, तो आपको 30 वॉट का फ़ायदा वैसे ही हो गया। और उसकी अलग अदर फैसिलिटीज़ जो हैं, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, उससे डिटरमिन होता है कितनी पावर जनरेशन होगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होगा पावर जनरेशन कम होती है मॉड्यूल में, या 25 डिग्री इज़ द एसटीसी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, तो 25 से ऊपर जाता है, जब एक एक डिग्री ऊपर जाता है तो अकॉर्डिंगली मॉड्यूल जनरेशन पावर जनरेशन कम करते जाता है। तो इसकी एफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट काफ़ी कम है, उस वजह से क्या है कि इवन इन हाई टेम्परेचर, जैसे भारतवर्ष में हर जगह पे 25 से ज़्यादा का टेम्परेचर हो ही जाता है, तो जैसे मध्य प्रदेश है या गुजरात है तो हमारे यहाँ तो 40-45 तक भी चला जाता है, तो उस सिचुएशन में इसकी जनरेशन कम होने लगती है। तो टॉपकॉन का फ़र्क ये पड़ेगा कि जनरेशन जो कम होती है वो मिनिमल कम होगी, मतलब आपको अच्छा जनरेशन मिलता रहेगा, असर कम पड़ेगा, जनरेशन जो हो अच्छा जनरेशन आते रहेगा, ज़्यादा टेम्परेचर का असर कम हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि आप ये इंडिया में ही सेल बना रहे हैं, तो कुछ प्रूफ दिखाएंगे क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल, मैं आपको हमारे स्टॉल में मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि हम कैसे इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं। जे ये प्रोडक्ट दिख रहे हैं आप सामने, ये है MG सिलिका, ये ज़मीन में से निकलता है, दिस इज़ MG सिलिका, ये रॉ मटेरियल है। इसमें से हम पॉलीसिलिकॉन रिफाइनिंग करके पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, ये पॉलीसिलिकॉन को क्रश करके मेल्ट करके ये इंगट बनता है, इस इंगट को स्लाइस करते हैं, पतले पतले स्लाइस करते हैं, तो ये जो सामने दिख रहा है टेबल में वो वेफर्स बोलते हैं उनको। एक बार देख लेते हैं सर। हाँ मैं कैमरा लेंस बोलूँगा, एक बार दिखाएं इसे भी जरा। ये पतले से हैं, माइक्रोन में इनकी थिकनेस है, इनको वेफर बोलते हैं, सिलिकॉन वेफर। ये सिलिकॉन वेफर्स हैं जिसमें से ये जो आप मॉड्यूल में सेल देख रहे हैं जी, ये सेल बनते हैं, ये वाले सेल, ये जो सेल है, ये आपने जो वेफर देखा वो ये दो सेल के बराबर है जी, ये दो सेल वो एक वेफर के बराबर है। वो वेफर को केमिकल प्रोसेस करके सेल बनते हैं और फिर इस सेल को हम मॉड्यूल में लगा देते हैं। तो ये मॉड्यूल तो एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम जैसा है, आपने 72 फोटो एक साथ लगा के आसपास में अगर फ्रेम लगा दिया, फोटो फ्रेम बन गया, वैसे ही मॉड्यूल बन जाता है। तो ये हम आपको जो मैंने दिखाया प्रोसेस में, हम इंगट वेफर सेल मॉड्यूल सब बनाते हैं भारत में, गुजरात में हम लोग अपने आप बनाते हैं, ऐसा
और कोई कंपनी ने अभी तक सेटअप किया नहीं है। तो सर हाफ कट में है ये वाला? हाँ ये हाफ कट है, तो इसीलिए मैंने कहा ना ये एक वेफर है। हाँ। इसमें से हाफ कट, दो सेल हाफ कट बनते हैं। सेल को हाफ कट इसलिए किया जाता है कि इसका फायदा ये होता है कभी इस पे अगर शेड गिरी तो जिस भाग में परछाई आई उस भाग की प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, दूसरा भाग चलता रहेगा। अगर पूरा सेल होगा इधर, अगर जरा सी भी परछाई आई तो पूरा सेल जनरेशन बंद, तो ये जनरेशन इंक्रीज करने के लिए इसको हाफ कट किया है। अब से पहले सर यही आ रहे थे कि अगर परछाई आ जाती, छाया आ जाती थी तो प्रोडक्शन बंद हो जाता था। इसमें थोड़ा सा आपको प्रोडक्शन की तरफ फायदा ये हो रहा है कि पूरी प्रोडक्शन, पूरे सेल की प्रोडक्शन नहीं बंद होगी, आधे सेल की बंद होगी, आधा सेल की फिर भी देती रहेगी। तो सर ये बाईफेशियल है? हाँ जी ये बाईफेशियल है। इसमें क्या होता है, फ्रंट से भी जनरेशन होती है, बैक साइड से भी जनरेशन होती है। बैक साइड से कितने परसेंट जनरेशन होती होगी? वो डिपेंड करता है आपका सरफेस क्या है नीचे, पर 7-17% तक जनरेशन इंक्रीज हो सकती है। जी अच्छा सर कितने वाट पीक का बताया था आपने? ये 570 है टॉपकॉन का और 540 है मोनोपर का। तो सर मिनिमम कितने वाट पीक का बना रहे हैं आप लोग और मैक्सिमम कहां तक पहुंचे? 535-540 जो मिनिमम है मोनोपर्क में और 570-575 ये बनेगा टॉपकॉन में। जी सर। अच्छा सर इसकी कॉन्फ़िगरेशन बदल के तो आप कई जगह पे स्टॉल में देखेंगे, कोई किसी किसी ने 600 भी लगाया, किसी ने 700 भी लगाया, तो आप क्या कर सकते हैं सेल बढ़ाते जाएं, साइज बढ़ाते जाएं मॉड्यूल का। हाँ। और आप पावर बढ़ा सकते हो। हाँ। तो मैंने अभी 570 किया है, इसमें है 12 मतलब 144 हाफ सेल लगे हुए हैं, इसमें 72 फुल सेल, 144 हाफ सेल, उससे बनता है 570। अब मैं इसी को बढ़ा दूं और मैं कहूं 156 हो गए और मैं बड़ा सेल ले लूं, ये 182 का 182x182 का सेल है, अगर मैं इसको 210x210 कर दूं और सेल भी नंबर बढ़ा दूं तो इसका वोल्टेज बढ़ सकता है, 600 भी जा सकता है, 700 भी जा सकता है, पर वो मॉड्यूल को मैनेज करना मुश्किल होता है, भारी भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, तो उसको वो तकलीफ रहती है। इसलिए मतलब ये जो है आइडियल साइज है, आइडियल साइज है पूरी दुनिया में, ये अगर आप प्रतिशत गिने तो 90-95% यही साइज बिकता है, वो 5-1% ऐसा होगा जो बड़ा साइज बिकता है। अच्छा सर अगर कोई ना खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकते हैं? हमारे हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर हैं अडानी के, आप गूगल सर्च करें, हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप फोन करें, आपको मॉड्यूल हमेशा मिल जाएंगे वहाँ से, बिल्कुल रेडी स्टॉक में। सर वेबसाइट क्या आप? adanisolar.com। सर कीमत क्या होती है इनकी सर, पर वाट पीक के हिसाब से? पर वाट पीक के हिसाब से अगर ये भारतवर्ष में बना हुआ सेल है और मॉड्यूल और सेल दोनों भारत में बने हुए हैं तो उसकी कीमत करीब 25 है, क्योंकि उसमें सब्सिडी मिल जाती है। हाँ। और उसमें कंपटीशन नहीं है, 25 रुपये पर वाट पीक, वो चाइना से कॉम्पीट नहीं करता, चाइना वाले नहीं दे सकते इसमें। और अगर आप चाइनीज सेल ला के बनाते हैं तो उसकी कीमत 21-22 रुपये पर वाट पीक रहती है। आप दोनों तरह के बनाते हैं चाइना से? हम ज़्यादातर अपने ही सेल, आत्मनिर्भर है, अपने ही सेल बनाते हैं, अपने ही मॉड्यूल बनाते हैं, तो हम चाइना वाले सेल बहुत कम यूज़ करते हैं। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।